हे गाइस, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, फिल्म एक रीमेक अनेक सेक्शन की अगली वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, वैसे तो अक्सर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वाले साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को रीमेक करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ बॉलीवुड फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें साउथ वालों ने रीमेक किया है। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कई भाषाओं में रीमेक किया जा चुका है। आज हम संजय दत्त की कॉमेडी ड्रामा फिल्म मुन्ना भाई MBBS से जुड़े अननोन फैक्ट्स, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स और इस फिल्म के सभी रीमेक वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मुन्ना भाई MBBS फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। गैस, मुन्ना भाई MBBS हिंदी लैंग्वेज में बनी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो 19 दिसंबर 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बोमन ईरानी और जिम्मी शेरगिल जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आए थे। इन सब के अलावा फिल्म में संजय दत्त के रियल लाइफ फादर सुनील दत्त साहब भी इनके फादर के किरदार में ही नजर आए थे। इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी फिल्म में एक छोटा सा कैमियो किया था। इस फिल्म का डायरेक्शन बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने किया था और बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म थी। बता दें, इस फिल्म की कहानी भी राजू हिरानी ने ही लिखी थी। दोस्तों, राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई MBBS के अलावा बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में बना चुके हैं। इन्होंने संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS का सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई भी बनाई थी। इसके अलावा ये आमिर खान के साथ थ्री इडियट्स और PK भी बना चुके हैं। इन सब के अलावा इन्होंने रणबीर कपूर के साथ फिल्म संजू भी बनाई थी। बता दें, राजकुमार हिरानी के कैरियर की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं, बल्कि थ्री इडियट्स, PK और संजू ने तो बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इस सीरीज के तीसरे पार्ट यानी मुन्ना भाई 3 पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार हिरानी की आखिरी रिलीज संजू की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया था। बता दें, साल 2007 में ही इस सीरीज के तीसरे पार्ट को लेकर मेकर्स ने संजय दत्त और अरशद वारसी को लेकर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। इस शॉर्ट फिल्म में मुन्ना भाई और सर्किट इंग्लिश सीखते हुए नजर आ रहे थे। मेकर्स ने इस फिल्म का नाम मुन्ना भाई चले अमेरिका फाइनल किया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये प्लान आगे नहीं बढ़ पाया। अब देखना ये है कि इस सीरीज की तीसरी फिल्म किस नाम से और कब रिलीज हो पाती है। दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS की बात करें तो इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे। यहाँ तक कि पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 8.1/10 की जबरदस्त रेटिंग दी हुई है। इसके अलावा ये फिल्म ऑडियंस को भी बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसे करीब 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था और फिल्म ने पूरे इंडिया में 23 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 34 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था। इसके साथ ही ये फिल्म उस टाइम पर हिट डिक्लेयर की गई थी। इस फिल्म की सक्सेस के बाद ही साल 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई नाम से इस फिल्म का सीक्वल भी बनाया गया था। आपको बता दें, मुन्ना भाई MBBS साल 2003 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में भी शामिल हुई थी। वैसे इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में पहले नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो, दूसरे नंबर पर ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया, तीसरे नंबर पर सनी देओल की फिल्म द हीरो, चौथे नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते और पांचवें नंबर पर अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान थी। गैस, बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के साथ साथ इस फिल्म ने उस साल कई अवार्ड भी जीते थे। फिल्म को उस साल अलग अलग कैटेगरी में 54 नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें से इस फिल्म ने 25 अवार्ड अपने नाम किए थे। गैस, अब इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, संजय दत्त से पहले फिल्म में लीड रोल के लिए राजकुमार हिरानी सबसे पहले शाहरुख खान के पास गए थे, लेकिन उस समय शाहरुख खान संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में बिजी थे, जिसके लिए उन्होंने कई फिल्मों को भी ठुकराया था। देवदास की वजह से ही शाहरुख खान ने मुन्ना भाई MBBS के लिए भी मना कर दिया था। शाहरुख खान के मना करने के बाद राजू हिरानी ने मुन्ना भाई के रोल के लिए अनिल कपूर और विवेक ओबेरॉय से भी बात की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिरकार ये रोल संजय दत्त के पास चला गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त को सबसे पहले फिल्म में जाहिर वाले रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसे बाद में जिम्मी शेरगिल ने निभाया था, लेकिन जब शाहरुख खान, अनिल कपूर और विवेक ओबेरॉय ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया तो फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने संजय दत्त को ही लीड रोल ऑफर कर दिया था। दोस्तों, शाहरुख खान के साथ साथ लीड एक्ट्रेस के लिए राजू हिरानी ने ऐश्वर्या राय से भी बात की थी,
लेकिन बाकी फिल्मों की डेट्स प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने चिंकी के रोल के लिए मना कर दिया। ऐश्वर्या के मना करने के बाद ये रोल रानी मुखर्जी और तब्बू के पास भी गया था, लेकिन दोनों ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। बाद में ये रोल ग्रेसी सिंह के पास चला गया। दोस्तों, आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि फिल्म में सर्किट वाले रोल के लिए सबसे पहले मकरंद देशपांडे को अप्रोच किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। इसके बाद ये रोल अरशद वारसी के पास चला गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्किट नाम फाइनल होने से पहले अरशद वारसी के करेक्टर का नाम फारूक खुजली फाइनल किया गया था, जिसे बाद में बदला गया था। बता दें, ये फिल्म अरशद वारसी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, क्योंकि इस फिल्म के बाद इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ गई थी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सर्किट वाले रोल के लिए अरशद वारसी को उस साल काफ़ी अवार्ड भी मिले थे। दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त साहब और संजय दत्त ने पहली और आखिरी बार एक साथ स्क्रीन शेयर की थी, क्योंकि साल 2005 में सुनील दत्त साहब का देहांत हो गया था। हालांकि इससे पहले ये दोनों साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म रॉकी और साल 1993 में रिलीज हुई क्षत्रिय में भी नजर आए थे, लेकिन दोनों को साथ में नहीं देखा गया था। गैज, मुन्ना भाई MBBS के क्लाइमैक्स सीन में संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त को जादू की झप्पी देते हुए नजर आते हैं। बताया जाता है कि ये सीन इन दोनों के कैरियर का सबसे इमोशनल सीन था, और राजू हिरानी के कट बोलने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे और दोनों की आंखों में सच में आंसू आ गए थे। गैज, मुन्ना भाई MBBS बॉक्स ऑफिस पर तो बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म को उस टाइम पर कल्ट फिल्मों में जगह जरूर दी गई थी, क्योंकि ये फिल्म इंडिया के कई थिएटरों में 25 हफ्तों से भी ज़्यादा चली थी। इसके साथ ही इस फिल्म को सिल्वर जुबली का स्टेटस भी दिया गया था। आपको बता दें, मुन्ना भाई MBBS को अभी तक 4 लैंग्वेज में रीमेक भी किया जा चुका है। आइए इन सभी फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं। गैज, मुन्ना भाई MBBS का पहला रीमेक साल 2004 में तमिल लैंग्वेज में बनाया गया था। ये फिल्म वसूल राजा MBBS नाम से रिलीज की गई थी, जिसमें लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार कमल हसन नजर आए थे। ये फिल्म भी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही थी। हालांकि इस फिल्म के टाइटल को लेकर तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल ने मेकर्स पर केस भी दर्ज करवाया था कि ये टाइटल मेडिकल प्रोफेशन की इमेज के लिए सही नहीं है और इसे बदला जाए, लेकिन बाद में ये मामला धीरे धीरे शांत हो गया। गए साल 2004 में ही मुन्ना भाई MBBS का दूसरा रीमेक तेलुगु लैंग्वेज में भी बनाया गया था। इस फिल्म में लीड रोल में साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी नजर आए थे, और ये फिल्म शंकर दादा MBBS नाम से रिलीज की गई थी। इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, और ये फिल्म साउथ के कई थिएटरों में 100 से भी ज्यादा दिनों तक चली थी। इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट डिक्लेयर किया गया था। तेलुगु रीमेक के बाद मुन्ना भाई MBBS का तीसरा रीमेक कन्नड़ लैंग्वेज में उप्पी दादा MBBS नाम से रिलीज किया गया था। ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें लीड रोल में कन्नड़ सुपरस्टार उपेंद्र नजर आए थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। गए संजय दत्त स्टारर मुन्ना भाई MBBS का चौथा रीमेक श्रीलंका में बनाया गया था। ये फिल्म डॉक्टर नावारियन नाम से साल 2017 में रिलीज हुई थी। श्रीलंका में इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए थे, और उस दौरान ये फिल्म श्रीलंका के कई थिएटरों में 75 से भी ज्यादा दिनों तक चली थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों, इन सभी फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।